माँ, सेल फोन की बैटरी डाउन है, मैं दिल्ली पहुँचते ही आपकी बात करवाता हूँ। ख्याल रखना लौड़ो बच्चे। ठीक है माँ। ओ सर जी, मैडम को जाना है क्या आपको? जी नहीं, हमको तो जाना है, यहीं बैठे रहना, कहीं जाना मत। ठीक है, आ जाओ। बबली, बबली मानिकाल, हेलो पुलिस स्टेशन जी, मैं कुलदीप सिंह बोल रहा हूँ, रोड कॉन्ट्रैक्टर जी। मैंने यहाँ कुछ अभी अजीब सा देखा है। मनोज ने दिल्ली पहुंचते ही फोन करने की बात की थी, पर दो दिन से कोई फोन नहीं आया था, और जब भी चंद्रपति उसे फोन करती, मनोज का फोन स्विच ऑफ मिलता। और ये थाना है, किसी मोबाइल कंपनी का कस्टमर केयर सेक्शन नहीं है। देखो एसएचओ साहब, मामला सीरियस है। हम गंगाराज और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ कंप्लेन करवाना चाहते हैं। उन्होंने धमकी दी थी खुलेआम कि हमारे भाई और उसकी बीवी बबली को जान से मार देंगे। बोलो शर्म कर, अपनी बहन को बीवी बोलते हो? शर्म करो। अरे मैं तो कहता हूँ कि इनके बीच में अगर सेक्स लक्ष हो गया ना, तो इनकी शक्ल देखने से अच्छा कि ये मर गए हों। चुप भी करोगे आप? आखिरी बार पूछ रही हूँ, आप हमारी कंप्लेंट लिखोगे या कौन ही लिखो? तो फिर आखिरी बार सुन ले, क्या जाकर ढूंढ उसे, और जब वो मिल जाए तो उसे सिर्फ दाम मेरे पास ले आना, उसके ऊपर अपनी बहन के साथ बलात्कार करने का केस ठोक दूंगा। अरे उसी को ठोक दूंगा, सारा मामला रफा दफा। क्या है, चलो। खापों की हिमायत करने वाले भ्रष्ट एसएचओ ने चंद्रपति की ताकत का गलत अनुमान लगाया था। वो ये नहीं जानता था कि ये माँ अपने बच्चे के लिए जान न्यौछावर करने को तैयार है। लोकल पुलिस से जीरो सहायता मिली, फिर भी चंद्रपति और उसका भांजा नरेंद्र निकल पड़े मनोज और बबली की तलाश में। वो हरियाणा के सैकड़ों पुलिस थानों में घूमते रहे, गुमशुदा मनोज और बबली की इंक्वायरी करते हैं। मैं यो तो ना कह सकूं कि वह जोड़ा शादीशुदा था कि नहीं, पर हाँ रोड कॉन्ट्रैक्टर कुलदीप सिंह ने जो किडनैपिंग देखी थी, पीपली गांव के पास की घटना है, जो कह था कि लड़का लड़की काफी जवान थे, मुश्किल से ही बालिक दिखे थे। साहब जी, अगर उसका पता मिल जाए तुम्हारे ऊपर बहुत उपकार होंगे। अरे भाई सोनलाल, वो कंप्लेन वाली फाइल लिया। यही थे, यही दोनों थे। लड़के को तो खूब पीटा उन्होंने, लड़की जोर जोर से रो रही थी, स्कॉर्पियो में उठा के ले गए दोनों को। कहाँ गए, किधर लेके गए? बरवाला केनाल की तरफ ले लिया था। पुलिस को तो मैंने सब बता दिया था। पिछले हफ्ते 2 लाशें मिली थी जी, इसी नहर में। ये तो नहीं, लाशें तो काफी बुरी हालत में थी, लेकिन फिर भी आप नौरनाथ पुलिस थाने में पता कर लो एक बार। हाँ जी, 2 लाशें मिली थी। मैंने देख ली है। आपने कहा था ना साहब जी, मैं अपने बेटे ने ढूंढ लूं। मैंने ढूंढ लिया है। ये तो नहीं, लाशें तो काफी बुरी हालत में थी, लेकिन फिर भी आप नौरनाथ पुलिस थाने में पता कर लो एक बार। हाँ जी, 2 लाशें मिली थी। मैंने देख ली है। उनको लेने कोई नहीं आया था, लावारिस समझ करके हमने उनको जला दिया। वैसे कुछ कपड़े वपड़े हैं, कुछ चीजें भी हैं,
अगर आप लोग देखना चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। हाँ साहब, बड़ी कृपया होगी आपकी। ये लीजिए, पहचान सकते हैं तो पहचान लीजिए। नमस्कार। मनोज और बबली के कपड़े खून में लथपथ थे, काफी बिगड़ चुके थे, तुरंत पहचानना मुश्किल था। चंद्रपति और सीमा को मजबूरन खून में भीगे कपड़ों को साफ करना पड़ा, क्योंकि स्थानीय पुलिस कर्मचारियों ने उन कपड़ों को साफ करने से इनकार कर दिया। आखिरकार चंद्रपति जान गई कि उसका बेटा मनोज अब इस दुनिया से जा चुका था हमेशा के लिए। पुलिस वालों ने मनोज और बबली की अस्थियां संभाल कर रखी थी, उन्हें चंद्रपति के हवाले कर दिया गया। बबली के घर वाले ना आइडेंटिफिकेशन के लिए आए, ना अस्थियां लेने। चंद्रपति ने दोनों को अपने हाथों से बहाया और साथ ही बह गई चंद्रपति के दिल की सारी ममता, सारे अरमान। चंद्रपति ने कसम ली कि वो अपने मरहूम बेटे, अपने पहले बच्चे के साथ हुए इस घोर अन्याय की दास्तां को कानून के कानों तक जरूर पहुंचाएगी, किसी भी कीमत पर न्याय लेकर रहेगी। आपने कहा था ना साहब जी, मैं अपने बेटे ने ढूंढ लूं। मैंने ढूंढ लिया है। मेरे बेटे का और बहू का कत्ल हुआ है और कातिल है गंगाराज और पब्लिक के परिवार के मरद। कातिलों ने स्कॉर्पियो गाड़ी इस्तेमाल की मनोज और बबली की किडनैपिंग की। इसमें उस गाड़ी का नंबर है और उस ड्राइवर का भी जो गाड़ी चला रहा है। ओ भाई, करमचंद जसूस की औलाद, मेरे पास तो टाइम है ना, जा जाके खुद ही ढूंढ ले, जा। मेरे बेटे और बहू की कहानी जानने के बाद भी अब कुछ नहीं करोगे ना इस सच्चो साहब? आज भी दुनिया में इंसानियत पूरी तरह से मरी ना है। चंद्रपति ने जमी आसमां एक कर दिया न्याय की तलाश में। मीडिया उसके साथ मजबूत सहारा बनकर खड़ा हो गया। कई महिला संगठनों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। आखिरकार एक औरत, एक माँ पूरे सिस्टम से लड़ रही थी, पुरुष प्रधान समाज के पिछड़ेपन को ललकार रही, न्याय मांग रही थी। मीडिया का प्रेशर इतना जबरदस्त था कि पुलिस को कार्रवाई शुरू करनी ही पड़ी। स्कॉर्पियो गाड़ी का ड्राइवर मनदीप और उस गाड़ी दोनों को हिरासत में ले लिया। आखिरकार मनदीप ने पुलिस को बताया कि किस तरह मनोज और बबली की हत्या की गई थी।